यवतमाल जिले के दिग्रस नगरपालिका के प्रशासकों की लापरवाही के बदौलत अग्निशमन विभाग बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पास न तो फायर प्रूफ जैकेट्स हैं और न ही कोई भी रक्षात्मक संसाधन। इसके बावजूद वे जान में जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रही हैं। पेश है दिग्रस से जुबैर खान की स्पेशल रिपोर्ट। बीते साल भर में शहर में अलग अलग जगहों पर आग लगने की कई घटनाएं सामने आई है। अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू किया। देखा जाए तो पालिका प्रशासन के किसी भी विभाग की तुलना में अग्निशमन का कार्य को अंजाम देना बेहद जोखिम भरा होता है। बावजूद इसके अग्निशमन विभाग का दस्ता अत्यल्प सेवा साधनों के साथ अपने कर्तव्यों पर तैनात रहता है। इन कर्मचारियों के पास न तो फायर प्रूफ जैकेट्स हैं, न आधुनिक उपकरण और न ही पर्याप्त रक्षात्मक संसाधन है। देखने में यह भी आया है कि जब किसी जगह लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां जाती है तो सबसे पहले उसे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या, रास्तों पर बेतरतीब वाहनों की पार्किंग और गली मोहल्लों के संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और वहां जैसे तैसे पहुंचने पर वहां पर उमड़ी भीड़ को, उत्साही लोगों को और तमाशबिनों के हुजूम को भी उन्हें नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन सारी चुनौतियों से जूझकर उन्हें आग को काबू में करना होता है। कई बार लोग उनके देर से पहुंचने का सबब पूछते हैं और उनसे कई बार उलझ भी जाते हैं। ऐसे में लोगों के गुस्से को स्वाभाविक मान भी लिया जाए तो फायर ब्रिगेड का वाहन लेकर निकलने से घटनास्थल तक पहुंचने तक उनकी राह में खड़े होने वाली बाधाओं पर भी गौर और फिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सारी बाधाओं से उनका काम न सिर्फ कठिन हो जाता है बल्कि एक ही समय पर आग को और लोगों के गुस्से पर काबू पाने की जद्दोजहद में उनका मनोबल भी कई बार टूट जाता है। इन सारी समस्याओं के मद्देनजर स्थानीय पालिका प्रशासन को चाहिए कि वह अग्निशमन दल को आवश्यक अग्निशमन उपकरण, फायर प्रूफ जैकेट जैसी सुविधाएं तत्काल रूप से उपलब्ध कराए और जब भी कहीं आग बुझाने के लिए जाने की नौबत आए तब फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कम से कम एक पुलिस कर्मी को तैनात किया जाए ताकि भीड़ से और ट्रैफिक से जूझने में उनका वक्त न जाया हो, क्योंकि अग्निशमन दल में कार्यरत कर्मचारी न तो सुपरमैन है और न ही स्पाइडरमैन है, वह भी हाड़मास से बने आम इंसान है जिन्हें पालिका से आवश्यक संसाधन और लोगों के सहयोग की जरूरत है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।